तो देखिए कुछ इस तरह शीतल गुंजन अंजलि सब मिलके घर बनाई है। छत पीओपी इतना सारा छुड़ा दिए हैं, नीचे सब जमीन पे देखिए बिखर गया है इधर साइड का अभी दो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी ये दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, बारिश रात में बहुत अधिक हुआ, सब पानी सब यहाँ पर आ गया, फैल गया, यहाँ कोने से पानी आ रहा है। तो ऐसे बारिश जब ज़्यादा होगा तो पानी आएगा। कल किचन का काम आप सबको दिखाई थी, देखिए सब लिपाई भी नहीं कर पाई, जैसे मैं दीवार जोड़ के वीडियो एडिट करने लगी बस तुरंत उधर पानी आ गया और न लिपाई न कुछ हो पाया। तो सुबह का टाइम यहाँ चाय बना दिए हैं, चाय पीने जा रहे हैं, उधर रखी हूँ दाल और एक तरफ चाय रखा है। तो घर का तो राम राम। तो सब लोग चाय पी लेते हैं, फिर आगे वीडियो शूट करेंगे। चाय पीने के बाद में खाना बन गया है, तो सब चाय नाश्ता कर लिए, खाना भी बन चुका है। तो रोटी चावल सब्जी जल रहा है गुंजन हाथ में, जलिए तो वहाँ पर खाना गुंजन रख दी है। अभी चारपाई से इधर से घूम के ले जाती तो बुलाती, और सब बिखरा है, लिपाई करना था लेकिन पानी सब मिट्टी गीला हो चुका है। तो आप सबको दिखाते हैं आज काम हो रहा है। तो आज बल्ली पटरा सेंटरिंग वाले भैया बोले थे निकालने के लिए, आज पूरा 12 दिन हो गया है लेकिन बारिश हो गया है, शायद आज आएंगे नहीं, कह रहे हैं 2 दिन रुको अभी। तो चलते हैं छत पे चढ़ते हैं। तो हमारी एक बहन आज 3 दिन पहले वीडियो में कमेंट की थी कि संगीता इसको सही से दिखाना, दीवार पे आप डिजाइन बनवाई हैं ताकि हम भी अपने घर में बनवा सकें। तो हम वीडियो के थंबनेल में लगा दी हूँ, आप सब देख लेना। इसी तरह हमारा ये घर का डिजाइन बना है, वैसे स्वयं स्वयं नहीं बना है, आप सब देखे होंगे जो मैं थंबनेल में लगाई हूँ, वो 3 दीवार है, मतलब 3 द्वारा है और हमारे में 2 ही है कम जगह होने के नाते। तो एक सुझाव ये भी आया है कि संगीता जी यहाँ से आप पानी मत निकलने दीजिए, आगे से निकालिए पानी, नहीं तो ये दीवार पे सीलन होगा, घर में भी पानी जाएगा, तो इसका व्यवस्था किया जाएगा। आप सबको दिखाती हूँ किस वजह से ये पानी आ रहा है। इस तरह ईटा लगा हुआ था, इसको निकाल के ये वैसे टंपावरी के लिए पानी निकाल रहे हैं। पानी जहाँ से निकलेगा मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो आप सब देख सकते हैं इसमें भर गया है सब मिट्टी, निकाल रही हूँ पानी, इसी से यहाँ से होकर जाएगा क्योंकि ये सज्जे पे है ना, और नीचे सेंटरिंग का यानी पलाई लगा हुआ है, तो पानी कैसे जाएगा? अभी जब वो पलाई हटेगा तभी ये पानी निकलेगा, ये ईटा जुड़ जाएगा, ये पानी यहीं से निकल जाएगा। देखिए पाइप डाला गया है का सब। तो यहाँ पर आज ईटा निकाल रहे हैं जो सेंटरिंग वाले भैया बोले हैं कि हम 2 दिन में निकाल लेंगे, तो ईटा को निकालना बहुत ज़रूरी था। ये भी डिजाइन ऊपर भी बना है छत का, तो किनारे मत जाना। तो दोस्तों एक बात और अच्छा हुआ कि पानी का छत पे बहुत ज़रूरी था, और भगवान पानी इतना कर दिए हैं कि पानी छत पे डालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, दीवार छत सब तराई अपने आप हो जा रहा है। तो जो मैं कह रही हूँ आप सब समझ सकते हैं मेरे बातों को। और परसों वाले वीडियो में शायद एक भैया लिखे थे पहले आप बोलना सीख लीजिए तब वीडियो बनाइए, तो मैं भैया से कहना चाहती हूँ ब्लॉगिंग करते हुए हमें 3 साल हो गया, और जो भी मैं बोलती हूँ अपने हिसाब से अच्छा ही बोलती हूँ, अब बीच में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो मैं क्या करूँ, और यही कहूँगी मैं गांव से हूँ तो इतना ही बोल लेती हूँ, आप सब साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इससे ज़्यादा हो सकता है कोशिश करेंगे बोलने के लिए। तो यही सब बात है, ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस टॉपिक पे। चंदन के पापा काम में लगे हैं,
किनारे मत जाओ, अंजलि इधर आओ। अंजलि के लिए एक सुझाव आया है। तो हमारी दीदी सब बोली हैं, जब तक छत के किनारे दीवार ना बन जाए तब तक अंजलि को चढ़ने मत दो छत पे। ये देखिए पैर धो रही है। अंजलि छत पे मत आया करो, छत पे मत आया करो। कहीं तो चंदन ने इसके गले के पीछे दबा दिए तो ये जीभ निकाली है। नहीं आप सब बोलोगे कि वीडियो में निकाली है। छत पे मत आओ नहीं गिर जाओगी। तो ये अच्छा सुझाव दी है दीदी, और सभी लोग अच्छा सुझाव देते हैं। सबको धन्यवाद, सभी भाई बहन को। तो गुंजन सुबह सुबह पिज्जा बर्गर जो भी है ले आई, दिखाओ गुंजन। रोटी में चावल सब्जी भर के पिज्जा बनाई है और ये मांग रही है। सीढ़ी पे मत लगो गुंजन, के आँख में फोड़ा हो गया है। एक आँख छोटा एक आँख बड़ा लग रहा है। तो गुंजन अंजलि सब उतर गई हैं, सब सामान दिख रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं रखने धरने का बड़ा परेशानी हो रहा है। वैसे ये टीन साइड रख उठा नहीं तो बहुत दिक्कत होता हम सबका। जितना रिक्वेस्ट आया था आप सबको दिखाई और बताई, तो दो दिन तो टाइम ही नहीं मिला। मैं काम में बहुत व्यस्त थी तो कमेंट के बारे में बता ही नहीं पाई और बात कर भी नहीं पाई। तो जो भी सुझाव आप सबका आता है बताते हैं, और आज वीडियो कमेंट के ही ऊपर बना रहे हैं। ये जाली जो है तो बोले हैं या तो इसको हटवा दीजिए या तो इसको मरम्मत करके पेंट करवा दीजिए, सही से ढंग से हो जाए। तो अब हटवाएंगे कहाँ दोस्तों, ले जाकर कहाँ पर फेंक दे, और कोई ख़रीदने वाला भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये देखिए सब टूटा है। देखेंगे कभी हो जाएगा। और आज मैं सिर धुली, सिंदूर बिंदी कुछ नहीं लगा पाई, कैमरा के सामने आ गई, क्योंकि कल मैं काम कर दी तो हमें ऐसे थकावट हरास लगा है, तो ऐसा होता है। अब सब लोग खाना खाएंगे और चंदन के पापा सब हटाएंगे और लिपाई, यही सब काम करना है। तो अभी तो पानी आने वाला है, देखते हैं लिपाई करने के बाद में भी मिट्टी सेट नहीं होगा। तो यहाँ चंदन के पापा पीओपी छुड़ा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह डिजाइन निकल के आएगा, जो इसको साफ से धुला भी जाएगा ब्रश से। पहले इसको अच्छी तरह से निकालना है, तो बहुत ये मेहनत का काम होगा निकालने में। सेट हो गया है, चिपक गया है उसी में, तो इसी तरह पूरे में है। तो इधर कोने चंदन लग गए हैं काम करने में। अंजलि मत चढ़ो नहीं तो गिर जाओगी। हाँ नहीं गिरेंगी, पहले जानती हैं। कुछ इस तरह पीओपी इतना सारा छुड़ा दिए हैं, नीचे सब ज़मीन पे देखिए बिखर गया है। इधर साइड का अभी दो जंगले का और एक दुआरे का छुड़ाना बाकी है, और ये छुड़ाते हुए एक घंटा से ज़्यादा लग गया। तो ये हमारे बस का काम तो है नहीं कि मैं छुड़ा पाऊँ, अकेले पड़ जा रहे हैं, अकेले छुड़ा रहे हैं। तो अभी छुड़ाएँगे जहाँ तक आप सबको दिखाऊंगी। 12:43 हो गया, दिखाओगे? तो 12:43 हो रहा है। तो आज तो चंदन के पापा का ही काम था, उसमें कोई नहीं लग पाया क्योंकि ऊपर था ना, तो इसीलिए। तो अभी खाना हम सब खाने, और इतना ही टाइम खाना खाते हैं, कभी 1 बज जाता है कभी 12, तो खा रहे हैं। देखिए बूंदीबांदी हो रहा है बारिश। तो हम सब खाना खा चुके हैं और चंदन के पापा अपने काम में लग गए। अंजलि अभी आई खेत में, क्या कर रही थी अंजलि? घर बना। तो खेत में आज भी घर बना है, चलते हैं देखते हैं किस तरह घर बना है। आप तो चल रहे हैं खेत में, अभी आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पर शीतल बाल क्यों नहीं बांधी? शीतल देखिए बारिश हो रहा है लेकिन यहाँ पर बना हुआ है घर। इधर से दिखाएं किधर से? तो देखिए कुछ इस तरह शीतल गुंजन अंजलि सब मिल के घर बनाई है। छत इसका बड़ा सुंदर है। तो अभी हम सब घर के काम में लगे थे और इधर ये सब अपना काम कर रहे हैं। इधर घर बन रहा है, घर घर का कमी नहीं है, बहुत सारा घर बनेगा।
हाँ रोज घर बनता है, इन सबका एक दिन घर बनता है और एक घंटे में वो चला भी जाता है। किसका घर है ये वाला? मेरा। और किसका? चंदन का। चंदन का तो एक दिन और बनाए थे तो आप सबको दिखाई थी, आज फिर बना रहे थे। हाँ तो अंजलि बोली चलो दिखाओ हमारा सुंदर सा घर बना है। यहाँ से चलते हैं, ये सब अपना घर बनाएंगे। देखिए ऊंचाई से दिखा रही हूँ तो फूल के डिजाइन कुछ बनाए हैं। तो बारिश तो हो रहा है, सुबह बहुत बारिश हुआ, रात को भी बारिश हुआ, इस समय बूंदी बाली हल्का हो रहा है। तो चंदन भी लगे थे इस काम में, इधर भाग रही हैं। दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, और इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।